डॉक्सिंग, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ डॉक्सिंग बोल के कुछ है, लेकिन फैसला है कि ये जानकारी डॉक्सिंग नहीं है, क्योंकि पहले से ही जानकारी ऑनलाइन और पब्लिक जानकारियों को उनके बिना अनुमति के इंटरनेट पर शेयर करना धारा 354C IPC और IT एक्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को एक आदमी की प्राइवेट और प्रोफेशनल जानकारी हटाने के लिए कहा, लेकिन फैसला है कि ये जानकारी डॉक्सिंग नहीं है, क्योंकि पहले से ही जानकारी ऑनलाइन और पब्लिक थी, और भारतीय कानून में डॉक्सिंग को डिफाइन नहीं किया गया है और ना ही इसको एक अपराध माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा जो है डॉक्सिंग, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ डॉक्सिंग बोल के कुछ है, सो इसके ऊपर ही बातें करेंगे, जैसे कि इसके अंदर में थोड़ा डीप पे जाएंगे क्या है एक्चुअल में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। तो यहाँ पे डॉक्सिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति की निजी जानकारियों को उनके बिना अनुमति के इंटरनेट पर शेयर करना, और भी गलत इंटेंशन के साथ में, जैसे कि फ़ोन नंबर, एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन नंबर, और आमतौर पर सेंसिटिव और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि फोटोज, वीडियोस, जो कि विक्टिम को आइडेंटिफिएबल बना सकता है। जब ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर होती है तो विक्टिम्स को हरासमेंट, ह्यूमिलेशन और रियल लाइफ थ्रेट्स जैसे कि स्टॉकिंग या अनवांटेड एनकाउंटर्स का सामना करना पड़ सकता है। वैसे डॉक्सिंग सब जो है ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट फेस से आया है, और ये होता है जब हैकर्स किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन ढूंढते हैं और पोस्ट करते हैं। ये सब कलेक्टिव अनोनिमस ने मशहूर किया। यहाँ पे कलेक्टिव अनोनिमस एक डिसेंट्रलाइज्ड कनेक्टेड ग्रुप है जो इंटरनेट एक्टिविज्म, हैक्टिज्म और प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है। एक ग्रुप टाइपिकली ऑनलाइन फॉर्म, सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से ऑपरेट करता है। यहाँ पे समझते हैं डॉक्सिंग का मेथड क्या होता है, जैसे कि डॉक्सिंग काम कैसे करता है और हम इसे स्टॉप कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में डॉक्सर जो होते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वो IP एड्रेस, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या ब्रोकर से डेटा खरीदते हैं, और फिशिंग कैंपेन्स का भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर फेक ईमेल या फिर वेबसाइट के थ्रू लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सो जब किसी को लगे कि उनके साथ में डॉक्सिंग हुआ है, जो कि वो डॉक्सिंग के शिकार बन चुके हैं, सो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उनके पास में जो भी एविडेंस है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एविडेंस जैसे कि स्क्रीनशॉट, कॉन्वर्सेशन को पुलिस, साइबर क्राइम ऑफिशियल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर को रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और फेसबुक में आप इसके बारे में सीधा सीधा रिपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि फेसबुक में डॉक्सिंग के बारे में ऐसे कोई भी उसका कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं है, सब उसके बारे में आप सीधा सीधा रिपोर्ट नहीं कर सकते। बट CNN के एक रिपोर्ट के अनुसार आप उस पर कंप्लेंट दे सकते हैं, जैसे कि दूसरे के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने को अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की उल्लंघन मानती है। और वहीं ट्विटर में यूजर को डॉक्सिंग के बारे में रिपोर्ट करने की अनुमति है। सो यहाँ पर अगर किसी ने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या फिर मीडिया शेयर की है तो पहली बार में उनके अकाउंट टेम्पररी लॉक किया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन या फिर मीडिया हटा दें। अगर फिर से ऐसा होता है तो उनके अकाउंट परमानेंटली डिलीट किया जाता है या फिर परमानेंटली सस्पेंड किया जाता है, और जो अकाउंट किसी का लाइव लोकेशन शेयर करता है उनका अकाउंट अपने आप सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि इंडिया में भी इसके लिए कोई लॉ है। भारत में सीधा डॉक्सिंग को रोकना और दंडित करने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे कानून है जो इस तरह के खतरों के खिलाफ है। जैसे कि अगर कोई किसी को प्राइवेट या पर्सनल स्पेस में चुपके से देख रहा है उनके बिना इजाज़त के, तो उनके खिलाफ कानून धारा 354C IPC और IT एक्ट, और सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट को डिस्क्लोज करना IT एक्ट और अब्सेंस कंटेंट को धारा 292 IPC और डिफॉर्मेशन को धारा 499 IPC और ऑनलाइन स्टॉकिंग को धारा 354D IPC के खिलाफ कानून है। सो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो जो कि डॉक्सिंग के ऊपर। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और जैसे कि वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक किया हो तो कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा, जो कि मैं खुद को बेहतर बना सकूं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।